good morning students today we will see um, exercise 16.3 question number 12 and the question is in a supw class 20 students made pen stand of cardboard the base of the pen stand is circle with radius 3.5 cm and height of the pen stand is 10.5 cm find how much cardboard uh, was used by each how much uh, glazed paper is used ऑन इट्स आउटर कब सर्फिस ऑल्सो फाइंड द टोटल and एंड ग्लेड पेपर यूज बाय the whole class. ठीक तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं है? uh, क्या क्या गिवन है पहले हम इसको लिख लेते हैं द बेस ऑफ द पेन स्टैंड इज सर्कल विथ रेडियस थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओके रेडियस इज गिवन दैट इज थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हाई डिस्ट फाइव सेंटीमीटर नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड सर्फिस एरिया ऑफ द पेन स्टैंड पेन ये जो आपको फिगर में दिया हुआ ये पेन स्टैंड इसका आपको क्या निकाला है इसमें कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ रही है और इसके ऊपर एक ग्लेड मतलब चमकता हुआ पेपर लगाना है उसकी वो कितना पेपर यूज होगा ये आपको फाइंड आउट करना है तो सर्फेस एरिया ऑफ पेन स्टैंड क्या सर्फिस एरिया में क्या हो जाएगा लुकेट इुकेट द फिगर ओपन uh, इसका जो टॉप है वो क्या है ओपन है बस हमें क्या निकालना है बॉटम निकालना है और कब सर्फेसर्फिस निकालना है तो इसलिए हमने क्या लिया है टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ओके नाउ पुट द वैल्यू हमने इसमें जो भी आर और एच की वैल्यू उसको पुट किया तो हमको क्या मिला यूज कार्डबोर्ड कितना मिला टू सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द दर्फेस एरिया ऑफ वन पेन स्टैंड ठीक एक पेन स्टैंड का सर्फेस एरिया है वैसे ही हम क्या निकाल देंगे यूज ग्लेड पेपर क्या हो जाएगा जो पेपर हम लगाएंगे ये देखिए जो पेपर हम लगाएंगे वो सिर्फ बीच में लगाएं नीचे जो नीचे लगाना है जहां से स्टैंड खड़ा होता है वहां तो हम पेपर लगाते नहीं है मतलब तो पेपर कहाँ लगेगा सिर्फ ऊपर के जो उसका घुमावदार पोर्शन होता है कर्व सरफेस दैट इज टू पाई आर एच अगेन पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड एच एंड फाइंड द वैल्यू दैट इज टू थर्टी वन सेंटीमीटर स्क्वायर ओके okay. ना ये तो क्या था हमारा वन स्टूडेंट एक स्टैंड का निकालना और उस एस यू पी डब्ल्यू क्लास में कितने स्टूडेंट हैं देर आर ट्वेंटी स्टूडेंट्स तो हम क्या निकालेंगे टोटल कार्डबोर्ड यूज बाई ट्वेंटी स्टूडेंट्स ट्वेंटी स्टूडेंट के द्वारा कितने कार्डबोर्ड यूज किया गया तो ट्वेंटी स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय वन एक एक कार्डबोर्ड पेन स्टैंड बनाने में जितना यूज हुआ कार्डबोर्ड uh, की जरूरत पड़ी थी ग्लेट पेपर की टू थर्टी फोर सिक्स टू जीरो सेंटीमीटर स्क्वा क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं क्या है

थाउजेंड पेपर के लिए कितना आपको थाउजेंड के लिए कितना निकालना देखिए क्या दिया है पहले हम ये देख लेते हैं आर एज टू टू सेंटीमीटर एच क्या दिए वो सेवन मिलीमीटर तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर सो डिवाइड डिवाइडेड बाई हंड्रेड विगेट पॉइंट सेवन सेंटीमीटर ठीक नाउ सर्फेस एरिया ऑफ वन चॉकलेट कॉइन चॉकलेट कॉइन का क्या हो जाएगा टू पाई आर एच एक चॉकलेट कॉइन का क्या हो जाएगा टू पाई आर एच दैट इज हमने वैल्यू पुट की एट पॉइंट एट सेंटीमीटर फिर सर्फेस एरिया ऑफ टेन चॉकलेट कॉइन पहले क्या निकालना हमको पड़ेगा टेन चॉकलेट कॉइन का निकालना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई बाई टेन पेपर नीडेड टू कवर थाउजेंड सच पैकेट ऐसे एक हजार पैकेट को कवर करने के लिए कितने पेपर की जरूरत होगी एटी एट मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड दैट इज दिस वन ये क्या है वैल्यू आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टीन क्वेश्चन द आउटर कर्व सर्फेस ऑफ पेंसिल हियर द आउटरक ऑफ सर्फेस ऑफ द पेंसिल हैविंग अ डायमी सेवन मिलीमीटर एंड लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर इज कोटेड विद फाइन मटेरियल फाइन द अमाउंट स्पेंड ऑन कोटिंग थाउजेंड पैकेट ऑफ पेंसिल ईच पैकेट कंटेनिंग टिन पेंसिल्स एट द रेट ऑफ फोर हंड्रेड पर स्क्वायर मीटर ठीक तो देखिए पहले क्या दिया हो हम देख लेते हैं डी दिया हो दैट सेवन मिलीमीटर हम निकालेंगे हर क्या होता है डी का हाफ होता है दैट थ्री पॉइंट फाइव मिलीमीटर ये मिलीमीटर में तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया मीटर में दस वन हाइट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर तो डिवाइडेड बाय हंड्रेड एंगल गेट तो पॉइंट टू मीटर ठीक तो अब हम क्या निकालने इसका कर्व सरफेस एरिया बाय टू पाई आर एच पुट द वैल्यू वी गेट जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर जीरो मीटर स्क्वायर ठीक है अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कर्व सर्फेस एरिया ऑफ थाउजेंड पैकेट्स ऑफ पेंसिल ट कंटेनिंग थाउजेंड सॉरी टेन पेंसिल कितने packet का निकालना है हमको? ये किसका निकला वन का निकला वन पेंसिल का कब सर्फेस एरिया अब हमको क्या निकालना है कितने पेंसिल्स है टेन पेंसिलीप्लाई बाई टेन एंड थाउजेंडेट फोर्टी फोर मीटर स्क्वायर ठीक ओके लास्ट क्वेश्चन इज द सिलेंडर हैजाइट इक्वल टू द डाई मीटर द सिलेंडर हाइट इक्वल टू इट्स डायमीटर फाइंड द रेशियो बिटवीन द बिटवीन इट्स कर्व सर्फिस एंड द टोटल सर्फिस एरिया सॉरी इसके पहले आपका रेट भी पूछा था इसके पहले जो क्वेश्चन था तो फोर हंड्रेड के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय फोर हंड्रेड दैट इज के ठीक देखिए लेट द रेडियस बी आर रेडियस हमने क्या ले लिया आ ले लिया हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर हाइट किसके बराबर इसके डायमीटर क्यों डायमीटर क्या होता है डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन था डी इज इक्वल्स टू टू आर तो हम एच को क्या लिख सकते हैं टू आर ठीक हमने आर क्यों लिखा क्योंकि हमने यहाँ आ लिया है प्रोबेबिलिटी हमें लास्ट में क्या होगा कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि रेशियो निकालना है ना कर्व सर्फिस एरिया क्या होता है टू पाई आर एच टोटल सर्फिस एरिया क्या होता है टू पाई आर आर प्लस एच ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ठीक अब हम इनका रेशियो निकाला तो हम इन दोनों को डिवाइड कर दें टू पाई आर एच टू पाई आर आर प्लस एच ठीक यहां से टू पाईआर टू पाई आर तो कम्प्लीटली हमने वैल्यू पुट कर दी ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन नहीं भी करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ से क्या पूरी वैल्यू क्या हो जा रही है कट जा रही है ऊपर क्या बचा हम इस एच की प्लेस पे हाइट हमने क्या एज्यूम किया है टू आर ठीक है तो उस एच के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं टू आर पुट कर सकते हैं पुट कर दिया तो ऊपर से क्या आ गया टू आर अपॉन थ्री आर इस आर से आर क्या हो गया कैंसिल तो यू विल गेट टू अपॉन थ्री दैट इज टू रेशियो थ्री ओके